एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज केन्या एंड आज का जो वीडियो है इज गोइंग टू बी इन हिंदी गाइस. सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे डू कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए. सो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में. वैसे टाइटल से आप लोगों ने ऑलरेडी पता लगा लिया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है. वेडिंग आउटफिट आइडियाज. शादी सीजन चल रहा है तो मुझे लगा कि शादी के आउटफिट्स शेयर कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ. फ्रॉम एंगेजमेंट टू हल्दी टू मेहंदी संगीत एवरीथिंग. बिकॉज इंडियन मैरिज इज अ होल एक पूरा फेस्टिवल होता है हमारे लिए. बहुत सारे दिन ऑलमोस्ट पूरे वीक तक हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं. एंड यू नो एवरी डे देर इज डिफरेंट. अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं हर दिन. अलग अलग सेरेमनीज रिचुअल्स. तो वो एक फेस्टिवल की तरह होता है. एंड आई थॉट कि बाय नॉट आई शेयर. मैं कुछ आउटफिट आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो वीडियो उसी के ऊपर है. सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते एंड हम क्विकली वीडियो के ऊपर चलते हैं. ऑल्सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस अक्रॉस कि जो आउटफिट्स मेरे पास अवेलेबल है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. इट इज़ नॉट मैंडेटरी या कोई कंपल्शन ही है कि ऐसी ही आउटफिट्स डालनी होती. आपका जैसे मन करे जो कलर आपको पहनना हो जैसा पहनना हो मन करे वैसा आप आउटफिट डाल सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट आउटफिट. First outfit, let's talk about from engagement. Starting with engagement, so I have kept it very simple. ये मैंने recently एक मेरे घर पर wedding थी मैंने उसमें डाला था and I thought let's share this as an engagement outfit. So for engagement, I have kept this pink suit, guys. ये मैंने fabric लिया था and then मैंने इसको stitch करवाया था. इसका जो bottoms है that is a stretchable lycra है और जो regular ऊपर का जो कुर्ती है दैट इज़ जो टॉप है इसका अंदर लाइनिंग लगी हुई है. एंड देन दिस इज़ द दुपट्टा. मेरे पास दुपट्टा ऑलरेडी रखा हुआ था एंड आई थॉट इसको मैच करते हुए मुझे वैसे इसके साथ इस पिंक दुपट्टे के साथ मुझे पर्पल जो ब्रिंजल जो बैंगन का कलर होता है मुझे वैसा कुछ आउटफिट सूट चाहिए था. बट देन मुझे वैसा कलर नहीं मिल पा रहा था तो आई थॉट लाइट पिंक आई एम गोइंग टू मैच इट विद दिस दुपट्टा. जितने भी आउटफिट्स दिखा रही हूँ दुपट्टा जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे. देन आई यू नो आई मैच्ड इट विद माय कंप्लीट आउटफिट्स. सो दिस इज द पिंक आउटफिट विच आई वोर इन वन ऑफ द रीसेंट वेडिंग्स इन एंगेजमेंट गाइज. कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट आउटफिट. ऑफकोर्स अगर मैं आउटफिट्स के बारे में इंडियन और एथनिक आउटफिट्स के बारे में बात करूँ साड़ी होना मैंडेटरी है. ये रिसेंटली माय मॉम गिव इट टू मी. दिस इज अ लाइट ग्रीन लाइक पेस्टल्स जो ग्रीन होते हैं वो कलर की साड़ी है एंड आई जस्ट लव इट. लाइक आई जस्ट लव 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 वेयरिंग साड़ी. एंड साड़ी आई थॉट आई एम गोइंग टू कीप फॉर मेहंदी. आई विल शो यू समथिंग यू नो जो थोड़ा सा यू नो ग्रीन कलर समथिंग लाइक दिस. इट्स नॉट मैंडेटरी अगेन कि आपको यही एक कलर्स पहने बट ऑफकोर्स अगर मेरे पास था तो आई थॉट आई शेयर द सेम विद यू. सो दिस इज अ साड़ी एंड दिस इज माई मॉम साड़ी. सो ये डेफिनेटली मेरे लिए बहुत 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 क्लोज है एंड मुझे बहुत ही प्रिटी लग रही. वेरी लाइट इन वेयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है. यू डू नॉट हैव टू यू नो लुक कि इसका प्लीट्स अच्छे से जमा है यानी एवरीथिंग इज एप्ट. सो आई जस्ट लव दिस साड़ी गाइज. So the next outfit is a Sangeet outfit. Now Sangeet pe definitely you know you dance, you jazz and aap sara fun sab masti karte the. I thought I'm going to keep this. कोई पर्टिकुलर कलर नहीं था. बहुत सारे फ्लोरल प्रिंट्स मैंने देखे थे एंड देन आई थॉट कि लेट्स डू दिस वन. मेरे पास इस कलर का लाइक ब्लू कलर का कुछ भी नहीं था. दो मुझे उसके ऊपर जो दुपट्टा है मुझे कॉन्ट्रास्ट में चाहिए था. यू नो कलर ब्लॉक चाहिए था मुझे दुपट्टा. बट अगेन दुपट्टा बहुत मुश्किल हो रहा था. आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो आई थॉट कि अभी जो दुपट्टा है आई एम गोइंग टू स्टाइल यही दुपट्टा. दिस इज नेट का दुपट्टा. जो भी आउटफिट्स मैं आपको बता रही हूँ गाइज मैम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू शेयर द लिंक्स बिकॉज मैंने कुछ लोकल मार्केट से चेक लिए हैं या मैंने फैब्रिक को लेके स्टिच करवाया. सो वो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए. बट येस इट्स जस्ट एन आउटफिट इंस्पिरेशन. सो इफ यू लाइक इट यू कैन गेट द सेम स्टिच
आप किसी भी मार्केट लोकल शॉप्स पे जाएंगे, यू विल गेट ऑल दीज फैब्रिक्स अवेलेबल. एंड दिस इज द लहंगा विच आई एम टॉकिंग अबाउट. आई जस्ट लव्ड इट. आई हैड दिस इमेज मेरे दिमाग में था, आई हैड दिस विजन कि मुझे इस तरीके का लहंगा चाहिए, थोड़ा सा हाई वेस्ट लहंगा विद अ वेरी गुड कैनकेन होनी चाहिए इसके अंदर. एंड देन आई थॉट कि इस टाइप का ब्लाउज आई वॉन्टेड, लिटिल बैकलेस विद अ वेरी गुड यू नो बो, जो बहुत लंबा बो जाता है वैसा. सो दिस इज हाउ द आउटफिट एक्चुअल टर्नड आउट. और ऐसा जो नेक्स्ट आउटफिट है दैट इज अ हल्दी आउटफिट. तो देर इज अगेन दिस ट्रेंड रनिंग कि हल्दी में तो सबको येलो ही पहना है, बट अगेन देर इज नो कलर कि आपको यही कलर पहना है. बट अगर इफ यू गो विद द थीम इट लुक्स यू नो वेरी कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही अच्छा लगता है. सो दिस इज अगेन अ हल्दी आउटफिट. इसका जो ऊपर का टॉप है, ये एक दुपट्टा था मेरे पास, स्पेयर वाइट दुपट्टा रखा हुआ था. एंड मैंने इसको डाई लाइक इसको कलर करवाया. एंड देन आई गॉट दिस एज अ कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती स्टिच. और अगेन जो नीचे का फैब्रिक है, आई डू नॉट रिमेम्बर वॉट इज द फैब्रिक नेम. ये मैंने, ये वाला जो पूरा आउटफिट है ये मैंने डेली से स्टिच करवाया था. एंड अगेन इसके साथ मुझे कुछ ब्राइट कलर का दुपट्टा लगाने का बड़ा मन था, तो मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा, जो जितने भी दुपट्टेज हैं दैट इज मैंने अपने होम टाउन जोधपुर से ले रखे हैं. और बाकी जो फैब्रिक्स है आउटफिट वो मैंने अलग अलग जगह से, जहाँ पर मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो लेके स्टिच करवाया है. सो दिस इज अ हेल्दी आउटफिट फॉर यू गाइज. So the next outfit is for the wedding day, guys. Now wedding day, you can either keep sari, suit or lehenga, like whatever, whichever cloth or whichever may you are very comfortable. आपको जो पहनना है उसमें अगर comfortable हैं, then go for that, guys. I love wearing sari and I'm very comfortable in sari. So I thought I'm going to wear a sari on the wedding day. I love wearing sari on the wedding day. So this is the sari I wanted to share with you all. I got this sari from Chani Chowk. There's a shop name Ishana Couture. If I'll get the link of the shop or details of the shop, I'll link it below. So this sari is not very loud, like बहुत ज़्यादा loud color नहीं है, बहुत ही subtle और elegant work हो रखा है. So I really really look forward for this sari whenever, अगर मुझे किसी wedding में जाना है, close wedding specifically, it goes perfectly, guys. So this is the sari, I just love it. And so that's it, guys. I hope you all enjoyed it because I was enjoying when I was filming this video, each and every outfit I was wearing, and you know I was going into the vibe. I literally enjoyed filming this video a lot. I'm going to see you in my next video. Till then, take care. Bye.